तो भाई फाइनली यामाहा कंपनी अपने सलोटो 125 को फिर से हमारे इंडियन मार्केट पे ला रही है। जी हाँ दोस्तों, जिस हिसाब से हमारे इंडियन मार्केट पे 125 सीसी सेगमेंट का जो डिमांड है वो बढ़ रहा है, उस चीज़ को यामाहा कंपनी ध्यान में रखते हुए अपनी सलोटो 125 को फिर से हमारे इंडियन मार्केट पे रिलॉन्च करने वाली है। अब यहाँ पर दोस्तों जिनको पता नहीं है उनको मैं बता दूँ कि यामाहा कंपनी की 125 सीसी सेगमेंट में एक बाइक आती थी जिसका नाम सलोटो था, लेकिन दोस्तों यामाहा कंपनी ने इस बाइक को डिसकंटिन्यू कर दिया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि फाइनली BS6 फेज 2 एमिशन नॉर्म्स के साथ जो है यामाहा कंपनी अपनी इस बाइक को फिर से इंडियन मार्केट पे ला रही है। तो आज की इस वीडियो पे दोस्तों मैं आप लोग को इसी बाइक के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि इस बाइक को कब तक हमारे इंडियन मार्केट पे लॉन्च किया जाएगा, इसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है, बाइक में आप लोग को क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, उसी के बारे में आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस बाइक के लुक्स के बारे में बात करें तो इसका जो लुक है दोस्तों वो आप लोग को एग्जैक्टली पहले तरह ही देखने को मिलेगा। थोड़े बहुत यहाँ पर जो है यामाहा कंपनी इस बाइक का जो कलर ग्राफिक्स है उसको चेंज कर सकती है, बाकी लुक्स तो आप लोग को पहले तरह ही देखने को मिलेगा। यहीं पर दोस्तों मैं आप लोग को इसके प्राइसिंग के बारे में बताऊँ तो ये दोस्तों 125 सीसी सेगमेंट की काफ़ी अफोर्डेबल बाइक होने वाली है, क्योंकि इसका जो प्राइस है दोस्तों वो लगभग आप लोग को 1 लाख रुपये से लेकर 1,05,000 रुपये के आसपास में देखने को मिलेगा। यहीं पर दोस्तों मैं आप लोग को इस बाइक के फीचर्स के बारे में बताऊं तो यहाँ पर दोस्तों 125 सीसी सेगमेंट के हिसाब से आप लोग को इस बाइक पे जो है ठीक ठाक से फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि दोस्तों बाइक पे जो है आप लोग को ऑल हेलोजन लाइटिंग का सेटअप देखने को मिलेगा, साथ ही साथ बाइक पे जो है आप लोग को LED का DRL भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों गाड़ी पे जो है आप लोग को एनालॉग के साथ डिजिटल का मीटर कंसोल देखने को मिल सकता है, जिसपे दोस्तों आप लोग को नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ बाइक पे जो है आप लोग को USB चार्जिंग पॉइंट दिया जाएगा जिससे कि दोस्तों आप लोग अपने फोन वगैरह को चार्ज कर पाएंगे। ब्रेकिंग के बारे में बताऊं तो बाइक पे दोस्तों आप लोग को CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, और इस बाइक पे दोस्तों आप लोग को फ्रंट पे जो है डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, बाकी रियर पे दोस्तों आप लोग को इस बाइक पे जो है ड्रम ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सस्पेंशन के बारे में बात करी जाए तो इस बाइक पे दोस्तों फ्रंट पे आप लोग को टेलीस्कोपिक का और रेयर पे जो आप लोग को ट्विन शॉक्स देखने को मिलेंगे, और बाइक पे जो आप लोग को सेफ्टी वाइज साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी देखने को मिलेगा। और हाँ दोस्तों, इस बाइक पे जो आप लोग को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों यामाहा कंपनी अपनी ज़्यादातर बाइक्स पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देती है, तो इस बाइक पे भी दोस्तों आप लोग को हो सकता है कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिले। बाकी दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग को इंजन के बारे में बताऊँ तो बाइक पे आप लोग को ऑल न्यू BS6 फेज 2 वाला इंजन देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों 125 सीसी सेगमेंट की होने वाली है, जिसपे कि दोस्तों बाइक पे जो है आप लोग को OBD2 सेंसर भी मिलेगा, साथ ही साथ बाइक पे आप लोग E20 यानी कि 20% जो एथेनॉल वाला फ्यूल होता है उसको भी आप लोग यूज कर पाएंगे। यहीं पर दोस्तों मैं आप लोग को इस बाइक के पावर फिगर्स के बारे में बताऊँ तो लगभग आप लोग को 8.2 BHP तक की पावर और 10.1 NM तक का आप लोग को टॉर्क देखने को मिलेगा, जो कि बाइक जो है दोस्तों वो 4-speed गियरबॉक्स के सेटअप के साथ आएगी, और बाइक पे दोस्तों आप लोग को सेल्फ स्टार्ट के साथ जो है किक स्टार्ट भी देखने को मिल जाएगा। यहीं पे मैं आप लोग को माइलेज के बारे में भी बताऊँ तो लगभग आप लोग को 60 से 65 KMPL तक का माइलेज देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं इस बाइक के लॉन्च के बारे में। तो इस बाइक को दोस्तों यामाहा कंपनी 2024 में हमारे इंडियन मार्केट पर लॉन्च करने वाली है। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना इस यामाहा कंपनी कि सलोटो 125 को लेके नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखेगा। तो इस वीडियो को भी दोस्तों हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है ये आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।